सोच रहा था कि हमारी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपका ये खूबसूरत चेहरा फिर मैं देख पाऊंगा या मैं नहीं देख पाऊंगा, इसी कश्मकश और बेचैनी में मैंने अपना पेन उठा लिया और आपके खूबसूरत चेहरे को अपने ख्याल से निकाल कर इस कैनवस पे उतार दिया। ये देखिए, चालू चीज है ये। क्या हुआ? मतलब अपने शिकार को फंसाने के लिए रातों रात पेंटिंग बना दिया मीरा का। उसने कुछ नहीं बनाया करिश्मा सिंह, उसने रातों रात मीरा का फोटो दिखाया किसी को, किसी प्रोफेशनल पेंटर से पेंटिंग बनवाई और अब यहाँ ले आया इंप्रेस करने के लिए। ऐसी लड़कियां इसके नाम का भजन नहीं गाती है मैडम सर। हाँ, मानना पड़ेगा कितना डेडिकेटेड है अपने टारगेट को फंसाने के लिए, इतनी मेहनत। बाप रे बाप, मीरा तुम क्या कर रही हो? उसने पेंटिंग दिया है तुमको, तुम उसको देख के थोड़ा खुश हो, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ ना भैया। ये क्या कर रही हो? हमें तुम उसको बता रही हो या उसको डरा रही हो? इतना नहीं, थोड़ा कम करो, 30% कम कर दो, 30% कम कर दो, थोड़ा और। अभी जात ये क्या है मैडम सर? इसको समझाते हमारा दिमाग बुरा गया। आपने इसको इंसान का जटिल मनोविज्ञान सिखाने का बीड़ा उठाया। करिश्मा सिंह, आप अपनी भड़ास बाद में निकाल लीजिएगा, पहले उसे नॉर्मल तो कीजिए। हाँ अमाओ, सुनो, वो प्यारा वाला स्माइल दो। हाँ ये ठीक है, अब उससे पूछो कि क्या आप पेंटर हो? क्या आप पेंटर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो एक लाइन भी ठीक से नहीं खींच पाता हूँ। पता नहीं ये पेंटिंग मुझसे कैसे बन गई। लगता है ये पिछले जन्म का कनेक्शन, और मैं आपकी खुशी के लिए आसमान भी जमीन पे लेके आ सकता हूँ। या 70 के जमाने का डायलॉग चिपा है मैडम सर इसने। करिश्मा सिंह, लड़कियों को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। कौन है ये लड़कियाँ मैडम सर? रमा तुम कहाँ उसको देखे जा रही हो? अरे वो रोमांटिक डायलॉग आया सामने से, तुम रिएक्ट करो और सुनो 30% स्माइल, थोड़ा ब्लश, थोड़ा वो प्यार से मुस्कुराना, वैसा मुस्कुराओ और फिर तुम आगे बढ़ जाना। और जो तुम्हारे हाथ में, नहीं, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, अब दूसरी तरफ आगे बढ़ो। हाँ, बस अब जो तुम्हारे हाथ में पेपर है जिसमें तुम्हें मोबाइल नंबर लिखा है वो गिरा दो, और अगर निखिल ने वो उठाया तो पलट के तुम्हें उसको स्माइल देनी है, वही प्यारी वाली। बस कीजिए पुष्पा जी, कितना रोइएगा, रो रो के आंसू का बाढ़ लाइएगा क्या? रो नहीं रहे हम, हमारी नाक बह रही है। हमको तो खाली बाढ़ का फिक्र है ना, चाहे आंख से आए चाहे नाक से। पक्का जो पैतरे ये मीरा मैडम को सिखा रही है ना हमारी बहुरानी निखिल को फंसाने के लिए, हमारे लल्ला को भी उसी पैतरों से फंसाया होगा इन्होंने। हमारे खूबसूरत हैंडसम लल्ला को देखा होगा, फिर हो गई होगी लट्टू, फिर बिछाया होगा अपनी आदत। अपनी खूबसूरती और अदाओं का जाल, फंस गया बेचारा हमारा मासूम भोला लल्ला इनके सुनहरे जाल में। कर ली शादी, फूट गई किस्मत। हमको तो अब पता चल रहा है कि कितनी पहुंची हुई चीज है हमारी बहुरानी, हमारे तो भाग ही फूट गए। काहे पुष्पा जी, काहे आप खुद से इतना ज्यादा कल्पना की जा रही है और मन ही मन से जली भूनी जा रही है, कुड़ी जा रही है। कितना आसान है, निकालिए फोन, लगाइए लल्ला को फोन, अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लगाइए फोन। हाँ पुष्पा जी, लगाइए अभी तुरंत लगाइए फोन। अरे हाँ, तुम लोगों का क्या है इतना? लाउड स्पीकर पे रखिएगा प्लीज। हाँ माँ बोलिए। देखो हम जो तुमसे पूछ रहे हैं ना उसका सही सही और सच्चा जवाब देना, समझ गए ना? क्या अम्मा कभी झूठ बोले हैं क्या आपसे? पूछे ना क्या पूछना है। हमारी जो बहुरिया है तुम्हारी पत्नी, तुमसे कहाँ मिली थी? मार्केट में, और कहाँ, वहीं तो मिले थे हम पहली बार करूँ को। क्या बात है, काहे पूछ रहे हैं? दोनों टकराए थे। हाँ अम्मा टकराए थे, तभी तो जान पहचान हुआ था, आपको कैसे मालूम? अगले दिन फिर से मिली थी। हाँ फिर मिले थे, वही मिली थी अम्मा, वही मिले थे। फिर अपनी जुल्फे कैसे कैसे कैसे
ऐसे? अम्मा फोन पे कैसे पता चलेगा कैसे? तो मैं कैसे भी करके पीछे लियो, पीछे ली कि नहीं? हाँ पीछे बाल किए। गजब यार, गजब, गजब पुष्पा जी। फिर अपना नंबर पर्ची पे लेकर गिरा दिया था? हाँ गिरा दिया था, आपको कैसे पता? बहुत बड़ी गलती की बेटा, बहुत बड़ी गलती की तूने वो नंबर उठा के। तुमको पता नहीं मगर तुम्हारे नहीं, हम दोनों के भाग फूट गए समझे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे नहीं आएगा यार। अरे कहाँ पुष्पा की गलत जगह विकेट गिरा दिया। 100 रुपए का अब भाग। ये क्या किया तुमने लल्ला, ये क्या किया? निखिल का मैसेज आया है। क्या बात कर रही हो, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। बहुत बढ़िया, तुम भी करो मैसेज करो। और बात करो बोलो आई लव यू टू, और प्यार से बोलना आई लव यू टू। कमर पे हाथ डालो। ये बूफे और ये गिफ्ट किसने दिया आपको? निखिल ने दिया है। फेंक दो। लगा तीर निशाने पे। कुछ पता चला हमारी बेटी का मैडम? देखिए हम आपकी बेटी और बाकी सभी लड़कियों के बारे में पता लगा लेंगे बहुत जल्द, लेकिन आप प्लीज हम पर भरोसा रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मैडम बढ़िया हुआ कि आप आ गए। देख पता नहीं क्या हो गया पुष्पा जी को, सुबह से ना ऐसे करके सुबके जा रही है। कितना बार पूछे कि क्या हुआ, बता ही नहीं रही। हाँ यहाँ बैठ के रो रही है, वहाँ बैठ के रो रही है, लेकिन पता ही नहीं रही क्या हुआ है। कहाँ है का? वो देखिए देखते क्या वहाँ पे जी। पुष्पा जी बताइए तो क्या। पुष्पा जी क्या हुआ, कुछ तो बताइए, कब से पूछ रहे हैं? हाँ और इतने दिनों से हमें भी लग रहा है कि कुछ अलग बर्ताव है इनका मैडम सर ना। मतलब हमसे 7 दिनों से इन्होंने अच्छे से बात नहीं किया है, और उससे भी आश्चर्य का बात यह है कि हमसे लड़ी नहीं है ना। मतलब जब तक हमसे लड़ेंगी नहीं तब तक उनका अंजल पचता नहीं है ना। तो ये कुछ अलग बर्ताव कहाँ हो गया पुष्पा जी, काहे रो रही हैं? पुष्पा जी बता दीजिए, अब तो आपकी प्यारी बहू पूछ रही है, अब तो बता दीजिए क्या हुआ। लल्ला। पुष्पा जी लल्ला को क्या हुआ? हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिसे सच्चा प्यार समझ कर वो ब्याह कर लेकर आया, वो एक छलावा निकला। लड़कों को कैसे फंसाया जाता है, उसका कोचिंग क्लास लेने वाली एक नव गुरु माता निकली। पुष्पा जी लेकिन आपको ऐसा लगता ही क्यों है? क्योंकि जो पैतरे इन्होंने मीरा जी को सिखाए ना उस निखिल को पटाने के लिए, वो सारे पैतरे हमारे लल्ला पर आजमाए गए हैं उसको पटाने के लिए। वो टकराना, जुल्फे लहराना, रिझाना, पटाना, नंबर फेंको। हाँ, नंबर फेंकना, मीठी मीठी बातें करना, बस लड़का जेब में, प्यार व्यार गया सब भाड़ में। तो आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लल्ला से प्यार नहीं करते? नहीं, आप हमारे लल्ला से बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपको तो बस एक अच्छा लड़का चाहिए था, आपको मिल गया ना, कर ली शादी उसके साथ। आइए बैठिए, आइए पुष्पा जी, आइए आइए, आ जाइए पुष्पा जी, आइए बैठिए आराम से। देखिए पुष्पा जी, जब प्यार होता है ना तो उसमें गणित नहीं लगता है, उसमें आगे पीछे का कुछ नहीं देखते हैं, वो आपको पता चल जाता है। जैसे हमें पता चल गया था जब हमने आपके लल्ला को देखा था ना, हमारा वो कांटा ऐसे सन करके अटक गया था यहाँ पे। उनको देख के ना हमें वो लग गया था कि यही वो इंसान है जिसके साथ हम अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमने ना तय कर लिया था कि हमारी सांस छूटे तो छूटे, लेकिन ये वो एक ऐसा इंसान है जिसका साथ हम जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे।
पुष्पा जी, लल्ला से हमको कुछ इस तरह प्यार है कि उनका हाथ थाम के अग्नि को साक्षी लेकर हम उनके घर आए थे, तो अब उन्हीं हाथों से अग्नि लेकर इस पूरी दुनिया से विदा होगे, ये बात तय है कि हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत ही हमें जुदा करेगी, आप समझ रहे हैं? हमारे लिए तो प्यार का परिभाषा यही है, बाकी लोग प्यार को क्या समझते हैं हमें पता नहीं, हम लल्ला से बहुत प्यार करते हैं। आप समझी? कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, माफी? 5 मिनट बाद सेम टॉपिक ले आएंगी, फिर उस पे लड़ पड़ेंगी, कोई दूसरा टॉपिक ले आएंगी उस पे लड़ पड़ेंगी, ये चलता रहेगा? पुष्पा जी, सास प्रजाति की हैं आप, हम यूज्ड टू हो गए हैं, आप भी हो जाइए। मतलब हम ही लड़ते हमेशा? नहीं नहीं, हम लड़ते हैं, आप नहीं लड़ती, आप नहीं लड़ती। देखो ये मीरा का जो मामला है ना पुष्पा जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये प्यार नहीं है, ये एक सेकंड आप मैडम सर से पूछिए, ये धोखेबाजी से स्टार्ट हुआ है। मीरा जो है उसको उससे सच निकलवाने के लिए धोखा कर रही है, हाँ, और लड़के को मीरा को पटाना है इसलिए वो ये चालबाजी कर रहा है, तो प्यार तो है ही नहीं, धोखेबाजी से स्टार्ट हो रहा है, धोखेबाजी पे ही खत्म हो जाएगा। पुष्पा जी, प्यार जैसा कुछ भी नहीं है इस खेल में, आप टेंशन मत लीजिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। अभी अभी निखिल का मैसेज आया है और वो कह रहा है कि वो मेरे यानी मीरा के पेरेंट्स से मिलना चाहता है और शादी की बात करना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए मैडम सर? क्या करना चाहिए, क्या मना कर दो? बिल्लो, इधर इधर। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता है तो फिर मिलवाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से। मीरा तुम्हारी माँ बनेगी पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम सर, हम बिल्कुल तैयार है अभिनय करने के लिए। और उसके पिताजी बनेंगे बिल्लू। कहाँ है मैडम सर? नहीं मैडम सर, मुझ पर एहसान करो, मुझे मीरा जी का बाप मत बनाओ। मैडम सर, आपने जब भी कहा मैं बाप बन गया, जिसका भी चाहा बाप बन गया, जो भी कहा मैं बन गया। पुष्पा जी का बाप बनाइए, लेकिन मीरा जी का बाप मत बनाइए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैडम सर प्लीज, मीरा जी प्लीज हेल्प मी। थैंक यू मैडम सर। दूर का रिश्तेदार बनाओ, माली बना दो, चौकीदार बना दो, ड्राइवर बना दो, लेकिन बाप मत बनाओ। बिल्लू, वो मीरा के माँ बाप से मिलने आ रहे हैं, ड्राइवर और माली से मिलने नहीं आ रहे, तुम ही बाप बनोगे एंड दैट इज फाइनल। तो अकेली माँ भी हो सकती है ना। शादी की तैयारियाँ कीजिए। मैडम सर, एक तो ऐसे ही हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था। अब क्या हुआ? रिक्वेस्ट ये था कि हम लोग ये सब जो प्लान बनाते हैं केस सॉल्व करने के लिए, जिसमें नकली शादी होता है, नकली एंगेजमेंट होता है, नकली पार्टी होता है, लेकिन पैसा असली लगता है, और पैसा हम सब लोग के पॉकेट से जाता है मैडम सर, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता हम लोग को। हाँ हाँ मैडम सर, चीता बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार थोड़ी तंगी चल रही है, तो क्यों ना शादी थोड़ा सा सस्ते में निपटाए। ये तो है मैडम सर, हम कंगाल हो गए हैं, आप शादी के लिए प्लीज कुछ और सोचिए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम निखिल से कहेंगे कि कोर्ट मैरिज का प्रपोजल रखते हैं उसके सामने, सस्ते में सब कुछ निपट जाएगा, और निखिल को वैसे भी सिर्फ शादी करने से मतलब है, कैसे होती है उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सही रहेगा? ओके, बहुत बढ़िया। प्लान सेट। आओ बेटा। जी बैठो बैठो, इधर बैठो बैठो। थैंक यू। तो बेटा क्या करते हो तुम, लड़कियों पे लाइन मारने के अलावा? लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या करते हो बेटा? आपकी बेटी से प्यार? ये हमारी बेटी है। बेटी आओ हमारे करीब आके बैठो। ये नहीं सुधरेगा मैडम, ये सुधरेगा। आओ अपनी मैया के पास बैठो। भगवान, बहुत मजाक किया। तो क्या जवाब है आपका? आपकी तसल्ली के लिए हम दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं। हाँ, आपसे तो ज्यादा हमें बहुत जल्दी है, जल्दी शादी करेंगे। आप अपने बूढ़ा बुढ़ी को बुलाओ। बूढ़ा बुढ़ी मतलब माता पिता, गुड्डा गुड्डी की तरह ही होते हैं, बहुत से क्यूट होते हैं, जैसे कि मैं क्यूट हूँ। मेरे पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। तो तुम कैसे? मेरे बचपन में चल बसे थे। अच्छा, ओ ऐसा। मजाक किया। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, वो इस वक्त अपने इलाज के लिए अमेरिका गई हुई है रिश्तेदारों के वहाँ पे,
तो सिर्फ मैं ही हूँ, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो। हाँ हाँ, हमको तो तुम पर पूरा भरोसा है। सकल से तू कितना खानदानी दिखते हो तुम, हमको कोनो ऐतराज नहीं शादी पे। तो कल 2 बजे कोर्ट में मिलते हैं। वो मैं मीरा से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? 2 मिनट? 4 मिनट? 4 मिनट लेके जाओ। मीरा कम कम। अब तुम्हारी शादी फिक्स होगी, कल हो भी जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो 21 तो बनता है ना, प्यार की तसल्ली के लिए। ये कैसा आदमी है? ओके, अगर इसने किस कर लिया मीरा को तो पता चल जाएगा कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है। घटिया आदमी। कुछ कीजिए आप, मीरा को कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, मना कीजिए। हाँ, कुछ बोले? नहीं 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 नहीं, बोलो किस नहीं है सब शादी के बाद, ऐसा बोलो। अभी कोई किस विस नहीं, ये सब शादी के बाद। अरे अरे, किस तो मांग रहा हूँ, किस तो दे सकती हो यार प्लीज। नहीं नहीं, बोलो कि इंतजार करें, इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल? ये कौन सा फल होता है? कुछ इतना कह रहे तुम, उतना करो, फोन डालेंगे तुमको यहाँ। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अरे यार, आज है ना मेरे राशिफल में एक किस्त लिखी हुई है, अगर तुम मुझे किस्त नहीं करोगे ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम इसे प्यार व्यार करती हो कि नहीं करती हो यार, एक किस्त दे दो ना यार प्लीज प्लीज। क्या आदमी है ये, उसकी बैटरी लो रही है। इसकी बैटरी चली गई क्या? चार्ज क्यों नहीं किया इसको? पता नहीं क्या करें, पता नहीं। अब बिल्लू, पुष्पा जी जल्दी अंदर आइए, सिचुएशन को संभालिए जल्दी। जी 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 जी, चलो चलो चलो। डर के मेरा ये फ्रीज हो गया। मेरा क्या हो गया तुम्हें? निकल बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने अपना घर नहीं दिखाया, हम तुम्हें अपना घर दिखाते। भगवान घर दिखाओ। भाई नॉट, भाई नॉट। मगर किसका घर? हमरा? नहीं नहीं, पड़ोस का। बहुत मजा किया है, बहुत मजा किया है। बिटवा, ये घर शादी के बाद तुम्हारा ही तो होने वाला है। आवा आवा, कम कम कम। हमरे मेरा दूल्हा दुल्हन बनेगी, कल शादी होगी, है ना? हाँ। यहाँ पे हमने टिक कर दिया है, अपने दस्तखत कर दीजिए। हाँ। आइए। अभी अभी गवाहों के दस्तखत। हाँ हाँ, लड़की की तरफ से गवाह कौन है? 2 गवाह चाहिए लड़के और लड़के की तरफ से। आप दो लोग कर दो। इसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा देवी जी। भाई नॉट, भाई नॉट। हो गया, ये लीजिए अपना छोटा साइन, आप भी कर दीजिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। बात है या जज? वरमाला पहना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पिटका, बधाई। आज के बाद से ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हुए। रे रे रे, देख 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 देख, आज तो मीरा मैडम एकदम ऐसे सजा हुआ सेज पर बैठी हैं, देख ना मेरे, देख। चीते बाप तक तो ठीक था, लेकिन ये मैं नहीं झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए बिलौटे, अपना नस मत काटना, फिनाइल मत पीना, छत पर से मत कूदना, चाहे मैडम सर का बंदूक लेकर अपना खोपड़ा मत उड़ा लेना। ये सुसाइड का आइडिया क्यों दे रहे तू? करता तो फिर भी नहीं है तू। हो गया। मीरा, तुमको अच्छे से याद है ना कि तुम्हें निखिल को क्या बोलना है? भूलना इज ह्यूमन वीकनेस। मैं मशीन हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती। मुझे अच्छे से याद है कि निखिल को क्या कहना है। हाँ बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात हम कल भी कर सकते हैं। अगर कल कर सकते तो इम्पोर्टेंट कैसे होती? ठीक है, कर लो तसल्ली, बोलो अपनी इम्पोर्टेंट बात क्या है। हमें एक दूसरे से 28 दिन के लिए फिजिकली दूर रहना होगा। क्या? लेकिन क्यों? आवर ओन रिचुअल्स। मेरे पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है कि अगर हम एक दूसरे के करीब आए तो आपकी अकाल मृत्यु की प्रबल संभावनाएं हैं।
आप मर सकते हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी जान को कोई भी आंच आए, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा 28 दिन तक। अरे लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसा कैसे सोच सकते हो? गुड नाइट। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। अरे यार, अरे मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। अरे यार मेरी बात सुनो, आज हमारी स्वागत है यार। गुड नाइट। बाहर में जाओ। बच गया। मैडम सर, अब तो मीरा सुरक्षित हो गई है ना, तो फिर अब इतना नजर रखने की जरूरत क्या है? माँ, नहीं नहीं, नजर रखने की जरूरत है, इस निखिल का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है ये। नहीं, आई थिंक पुष्पा जी आप ठीक कह रही हैं, वैसे भी सब कुछ सेफ ही लग रहा है। आप एक काम करिए, आप लोग चले जाइए, हम थोड़ी देर और देखेंगे। मैडम सर, ऐसा देखिए, उसको लग रहा है कि मीरा मैडम सो गई, इसलिए कुछ कर रहा है निखिल।